हाँ जी, सत श्री अकाल गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, मुझे टाइम मिल नहीं रहा था वीडियो शूट करने के लिए। उसका रीज़न मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ क्यों मुझे टाइम नहीं मिला। आज की वीडियो का मेन टॉपिक है, आपको पता ही है, हमने अपने बच्चे में एग्जॉस्ट लगवाया। सो बेसिकली इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि मैंने कहाँ से बेंट पाइप लिया है, कैसे जुगाड़ कराया बेंट पाइप का, क्योंकि जो अपाचे ओनर से उनको पता है कि इसकी बेंट पाइप मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलती है। सो ये भी मुझे बहुत मुश्किल से मिली है। अब इसकी स्टोरी मैं कुछ देर में आपको बताता हूँ। सो गाइस, इस बेंट पाइप को ना मतलब लगाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसकी फिटिंग ना अच्छी तरह से आई नहीं है, क्योंकि आपको पता है अपाची की बेंट पाइप कोई बनाता नहीं है। और ये एक मुझे बंदा मिला है जो अपाची की बेंट पाइप बनाता है, वो मुझे कहाँ से मिला है आपको थोड़ी देर में सब कुछ बता दूंगा। सभी बेंट पाइप लगे हुए ना बाइक के ऊपर 4 से 5 दिन हो चुके हैं। सो काफ़ी सही चल रही है अभी तक तो, रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया है इसका। बस एक मुझे इसका नेगेटिव लगता है, इसकी कुछ ज़्यादा ही आवाज़ हो गया गाइस, क्योंकि ये एकदम फ्री फ्लो है ना, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो गया। मैंने ग्लव्स लगाए, मेरा ग्लव्स ही सड़ गया, बहुत ज़्यादा गर्म है ये। और ये बैंड पाइप ना थोड़ी थोड़ी येलो होनी भी शुरू हो गई है। और मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब है, इस वजह से ना आवाज़ अच्छी तरह से आ नहीं रही होगी आपको। और बोलते वक्त भी थोड़ी सी खराश आ रही है गले में। सर्दियाँ आ गई गई, सर्दियों का ये मुझे हर वक्त होते ही, जैसी सर्दियाँ आती हैं ना मुझे जुकाम होना शुरू हो जाता है। सो अभी इसकी ना आपको पहले आवाज़ सुनाते हैं, आवाज़ कैसी आ रही है अभी देख लो। मैं ऐसे इन्वायरमेंट में हूँ जहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई साउंड नहीं है किसी चीज़ की। सो एक बार ही आपको गोप्रो से इसकी आवाज़ सुनाते हैं, उसके बाद कैमरा और मोबाइल कैमरा से सुनाते हैं, क्योंकि गोप्रो जो आवाज़ थोड़ी सी कैप्चर करता है, वो थोड़ी सी नॉइजी कैप्चर करता है, बेस इतनी नहीं लाता। लो जी गाइस, हो गया काम मेरी बाइक का। एक्चुअली इसकी बैटरी भी नहीं है यार, गई बैटरी। अब लगाओ इसे धक्का, चलो भी हो गई गई स्टार्ट। देखो फर्स्ट टाइम मैं एग्जॉस्ट नोट सुनाने वाला हूँ, और फर्स्ट टाइम ऐसे स्टार्ट करी है मैंने, पर चलो कोई नहीं, स्टार्ट तो होगी। एग्जॉस्ट नोट तो सुना दूँ आपको। सो देखो गाइस, बहुत ज़्यादा लाउड है यार, बहुत ज़्यादा लाउड है। अभी ये आइडल पर है, और आइडल पर अभी मुझे ना तेज़ बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे अपनी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। अभी मैं थोड़ा सा ऐसे रैप करता हूँ। वो बहुत ज़्यादा लाउड है यार, बहुत इतनी लाउड हो गई है ना गाइस, अभी मुझसे खुद ही नहीं चल रही है। बस थोड़े दिनों का मेहमान है एग्जॉस्ट, फिर मैं इसे उतार दूंगा। और अभी चलते हैं राइड पे, और आप लोगों के लिए गाइस एक सरप्राइज भी है इस वीडियो में, तो बने रहना, आपको मैं बताता हूँ। देखो गाइस क्या आवाज़ आ रही है यार, आई डोंट नो गोप्रो में कैसी सुनाई दे रही है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गोप्रो में बना रहा हूँ। उससे पहले ना आपको एक बारी मोबाइल से भी सुना देता हूँ, मोबाइल से आवाज़ कैसी आती है। अभी इंजन के आरपीएम डाउन हो गया है, क्योंकि इंजन ना गर्म हो चुका है। चलो 6 के आरपीएम तक लेकर जा रहा हूँ मैं, और 6 के आरपीएम में चेक करो क्या आवाज़ आ रही है इसकी। ऐसी लुक आती है बाइक की एग्जॉस्ट लगने के बाद। अभी मैं आपको जो कह रहा हूँ ना, जो मुझे चीज़ इसमें सेटिंग करवाने वाली है, वह आप बेंट पर देख सकते हो, ये ना बहुत नीचे आ रही है, इसको थोड़ा सा हमने ऊपर कराना है। ऊपर इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो इसका हेड है ना, हेड बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, आप देख सकते हो ये कहाँ तक आ रहा है, और उसके नट भी पूरे अंदर नहीं जा रहे, हालाँकि मैंने पूरा टाइट किया हुआ है, इससे ज़्यादा टाइट नहीं होता। और इसकी सेटिंग करवाने वाली है, यह सेटिंग कैसे होगी ये भी आपको, ये भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहना। उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा आता है हाईवे पे चलाने के बाद, और इसके क्या नेगेटिव्स हैं जो मुझे लगे अभी तक, और पॉजिटिव्स क्या हैं वो भी आपको थोड़ी देर में बताते हैं। पहले हम हाईवे के और चले जाएँ, और वाइजर को मैं बंद ही कर लेता हूँ। भाई साहब देखो कितनी तेज़ आवाज़ है, थर्ड गियर है अभी, 60 की स्पीड, 5000 आरपीएम है अभी। देखो 6000 आरपीएम आवाज़ चेक करो, ओ भाई साहब बहुत खतरनाक आवाज़ है। अभी ना थोड़ा सा चलने के बाद ना थोड़ा एग्जॉस्ट रवा हो गया है, रवा होने की वजह से ना और ज़्यादा आवाज़ निकाल रहा है। देखो गाइस रिएक्शंस, बहुत तेज आवाज हो गई गाइस, बहुत ज्यादा तेज। अगर हम इसकी गाइस कुछ प्रॉब्लम्स की बात कर लेना, एक तो मैंने आपको बताया है इसकी फिटिंग सही नहीं है,
और थोड़ी सी इसकी फिटिंग सेट करवाने वाली है, और उसके बाद इसका एवरेज के ऊपर बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है गाइस। एवरेज मेरी बहुत घट गई है बाइक की, अभी आप देख सकते हो दोबारा से लाइट आ गई है, और अराउंड ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं यार एग्जॉस्ट जब होता है ना बाइक में तो बंदा बाइक को खींचता भी बहुत है, इस वजह से भी वैसी जो है आपकी एवरेज घट जाती है। लिमिटर मारूंगा, इस लिमिटर मारने पर आवाज़ सुनना। ओए वाह, 100 पर हूँ अभी मैं। अर्बन मोड का लिमिटर आ गया। भाई साहब क्या आवाज है भाई, मजा आ गया मजा। भाई लिमिटर पर क्या आवाज आती है यार, मजा आ गया मजा। अभी हम ज्यादा तेज नहीं चलाएंगे यार बाइक को, क्योंकि यार एग्जॉस्ट ना बाइक के हेड के ऊपर बहुत ज्यादा जोर डालता है, इसी वजह से ना मैंने अभी तक इसकी टॉप स्पीड भी चेक नहीं करी। हाँ चेक करेंगे, ऐसा नहीं है कि चेक नहीं करनी है, पर यार एसी का एग्जॉस्ट ना एकदम फ्री फ्लो है भाई साहब। देखो बुलेट की भी आवाज नहीं आ रही इसके सामने, बहुत यार इसकी ना आवाज कॉन्टिनेंटल से भी तेज हो गई है, कॉन्टिनेंटल जीटी की जो आवाज होती है ना उससे भी तेज आवाज हो गया इसकी। और अभी गाइस आपको इसके थोड़े से नेगेटिव्स मैं और बताता हूँ। एक तो जैसे मैंने बताया इसकी फिटिंग सही नहीं है, दूसरा इसका एवरेज के ऊपर बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है, और तीसरा इसका नेगेटिव है ये ना बाइक हेड बहुत जल्दी उड़ा देगा यार ये एग्जॉस्ट, क्योंकि ना बाइक का जो डिज़ाइन होता है कंपनी की वजह से वो एग्जॉस्ट ऐसा होता है, उसकी वजह से आपके बाइक के हेड के ऊपर इतना जोर नहीं पड़ता, और ये एग्जॉस्ट होता है एकदम फ्री फ्लो, इसका भाई बहुत गंदा असर पड़ता है आपके इंजन पर। और भाई साहब क्या आवाज़ आ रही है, पर हाँ जो नुकसान है उसको कम करा सकते हो, जैसे इसका एयर फिल्टर चेंज करा सकते हो, क्योंकि अगर इस यहाँ पर क्या हो गया, रश लगा है, क्योंकि अगर आप जो एयर फ्लो बाइक से निकलता है उसे अगर आप फ्री फ्लो कर देते हो ना, तो जो एयर इनटेक है बाइक का उसको भी आपको फ्री फ्लो करना पड़ता है, ताकि जो इंजन अच्छी तरह से सांस ले पाए, नहीं तो ऐसे मिसमैच हो जाता है, और उस वजह से पिस्टन वगैरह ढीले होने के चांसेस बड़े आराम से आ जाते हैं, पिस्टन क्रैंकशाफ्ट वगैरह ये बहुत जल्दी ढीला होता है। अगर जिन भाइयों ने एग्जॉस्ट लगवाया हुआ है पहले, उनको पता होगा इस बात के बारे में कि एग्जॉस्ट जो है इंजन ख़राब कर देता है। चलो गाइस पहले जाम से निकले यार, तो गाइस रश से हम बाहर आ चुके हैं, और अभी नेगेटिव के बाद हम पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं कि एग्जॉस्ट लगाने का क्या पॉजिटिव है आपको। और पॉजिटिव बोलने से पहले ना आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपका भाई इतने दिनों से इसलिए गया था क्योंकि मैं ना अपनी शॉप खोलने वाला हूँ, और शॉप हमारी है राइडिंग गियर के रिलेटेड ही, मतलब एक तरह से मोटर स्टोर खोलने वाला हूँ मैं, जहाँ पर मैं सारा कुछ रखूँगा, एग्जॉस्ट हो गए, इंजन ऑयल्स हो गए, बेंट पाइप्स हो गई है ना, लाइट्स हो गई, फॉग लाइट्स हो गई, व्हील कवर्स हो गए, टेल टैडी और टैंक पैड, मतलब जो जो मॉडिफिकेशन का सामान है ना बाइक का, टूरिंग एक्सेसरीज होगी जैसे, सारा कुछ रखूँगा मैं। और उस वजह से ना गाइज इतने दिनों से वीडियो आ नहीं पा रही थी, और मैं वैसे भी थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया था, मैं सोच रहा था कि यार मुझे कौन सा इतने व्यू आते हैं और मैं वीडियो डाल कर क्या करूँगा, हफ्ते वीडियो डालता हूँ व्यूज़ आते नहीं, फिर भी 1000 व्यूज़ फंसा आते हैं वीडियो पर। मैंने सोचा यार कि अगर 1000 बंदे हम एक जगह इकट्ठे करते हैं तो कितने होते हैं, है ना, तो मतलब जितने भी हैं उतने के लिए तो हम वीडियो बनाए, चाहे हमारे 30 बंदे देख रहे हैं 40 बंदे देख रहे हैं, पर वीडियो तो बनानी यार बनती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ना एक वीडियो भी बना देता, नहीं तो यार मैं पूरा यूट्यूब छोड़ चुका था, मतलब छोड़ ही दिया था यूट्यूब, सिर्फ इंस्टाग्राम पर मैं एक्टिव था, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, फिर मैंने सोचा कि यार बना ही लेते हैं,
क्योंकि एक टाइम के बाद मुझे लगने लगा कि यार मैं थोड़ा गलत कर रहा हूँ, क्योंकि 5000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। 5000 सब्सक्राइबर करने भी यार मतलब बहुत मुश्किल से मैंने किए हैं, तो मैंने सोचा अगर यहाँ तक आ ही गया हूँ तो और यूट्यूब को थोड़ा आगे ले जाते हैं। हालांकि शॉप का काम भी करेंगे हम, वो तो गए एक करियर मैं सेट करना है, क्योंकि जॉब वगैरह हमने नहीं जाता, अब मैं जॉब हमने छोड़ दी, अब मैं जॉब पर नहीं जाता, अब हम सिर्फ अपना काम शुरू करेंगे और YouTube करेंगे साथ में। तो फिलहाल तो हमारा यही सीन है, बाकी अभी मैं अपनी शॉप की तरफ ही जा रहा हूँ। हमारी शॉप जो है सोटल चौक के पास है, आप सामने देख सकते हो सोटल चौक भी आ गया है। तो मैंने सोचा कि यार एग्जॉस्ट की वीडियो बना लेते हैं, एग्जॉस्ट के साथ साथ आपको मैं शॉप का भी बता ही दूँ। तो अभी शॉप का ना काफ़ी काम मतलब कम्प्लीट हो चुका है, वो रही हमारी शॉप ग्रे कलर की। सो ये है सोटल चौक, सोटल चौक से हमने यू टर्न लेना है वापस। सो सोटल चौक से गैस नज़दीक ही है, अगर हम सोटल चौक आएंगे ना, सोटल चौक के साइड ये देखो लेफ्ट साइड हमारी दुकान ये रही। अब ये गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, ये थोड़े दिन बाद में हट जाएगी। बाकी ये है गैस हमारी शॉप, फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ यूट्यूब पर, बताना कैसी लग रही है। मतलब काफ़ी हद तक शॉप कम्प्लीट हो गया, सोचा अगर शॉप कम्प्लीट हो गया तो आप भाई लोगों को दिखा ही दूँ। चाबी इसकी बीच में है, कहाँ गई मेरी BMW की चाबी, ये रही गाइस चाबी। अभी खोलते हैं शॉप को, सो गाइस देखो अभी फ्लोरिंग का काम करवाया था मैंने कम कलर को। ये है हमारी शॉप, अभी ये ऐसी बिल्कुल नहीं थी, ये हमने पेंट वगैरह सब मैंने करवाया, और देखो कैसी लग रही है, बढ़िया लग रही है ना। और ये हमारा स्टोरूम हो गया साइड में, यहाँ पर मैं ट्राई रूम बनाऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद काम शुरू करेंगे ट्राई रूम का, क्योंकि अभी शॉप के ऊपर काफ़ी खर्चा हो चुका है। सो गाइस ऐसी कुछ है हमारी शॉप, सो इसलिए गाइस इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मैं शॉप में काफ़ी बिजी था। अभी बस कुछ टाइम रह गया शॉप की ओपनिंग को, इसलिए मैंने सोचा कि यूट्यूब पर भी हम बता ही देते हैं। सुबह शीशा क्लीन करते हैं, शीशा क्लीन करने के बाद आपको मिलता हूँ, और वो हमारा बाचे खड़ा है। सो गाइस अभी निकलने वाला हूँ मैं शॉप से, बाकी शीशा इतना ही साफ़ हुआ है, वैसे इतने ज़्यादा साफ तो नहीं हुआ, इस पर ना एक बार पानी लगेगा, पानी से ही होगा ये अच्छी तरह से साफ, मिट्टी अभी इस पर बहुत ज़्यादा है। सो गाइस अभी मैं यहाँ पर बैठा था, बस टाइम पास कर रहा था, थोड़ा सा पबजी वगैरह खेली है, क्योंकि कुछ काम तो है नहीं अभी करने को। सो अभी वीडियो जाकर एडिट करेंगे और चलते हैं घर को सीधा, और आपको इसके पॉजिटिव रह गए थे बताने, तो पॉजिटिव भी बताते हैं इसके बाइक के। सबसे पहले शटर डाउन कर दूँ मैं। सो गाइस आप भी ज़रूर विज़िट कर सकते हो शॉप को अगर आप चाहो, अगर आप जलंधर के नज़दीक हो, नहीं तो आप जो है थोड़ी देर में मैं इसकी ऑनलाइन वेबसाइट सबको शुरू करूँगा, फिर आप ऑनलाइन भी सामान ऑर्डर कर सकते हो मेरे से। बाकी अभी शॉप का तो 2 हफ्ते लगेंगे, और मोटा मोटा शायद हफ्ता भी लग सकता है, और फ्यूलिंग की भी ज़रूरत है बाइक को। अगर हम पॉजिटिव्स के ऊपर आए तो पहले रिफ्यूलिंग ही करा लेते हैं, उसके बाद पॉजिटिव की बात करता हूँ। भाई साहब एग्जॉस्ट नोट, बाकी लुक भी देखो गाइस क्या इनहांस हो गया ना बाइक की, टायर रोड बड़ा बड़ा लग रहा है पीछे वाला। सो गाइस अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें ना, तो ये बहुत ज़्यादा ना क्विक हो चुकी है बाइक, क्योंकि ना जो इसका स्टॉक एग्जॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा भारी है, अराउंड 5 किलो प्लस ही होगा वो, बाकी मैंने नापा नहीं, अंदाज़ा ही लगाया। ये क्या कर रहे हैं रोड पे मिट्टी डाल रहे हैं, खड्डे से ही कर रहे हैं। तो बिना हाईवे के और चलते हैं, थोड़ा सा एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं आपको। चीके मार रहा है चीके भाई, बुलेट वगैरह सब फेल है इसके आगे। अब तो मैं भाई 7000 RPM से ऊपर जा ही नहीं रहा, तो पटाका मारा, अरे भाई साहब खतरनाक। अभी मैं अर्बन मोड पे हूँ, स्पोर्ट भी नहीं लगाया मैंने, क्या लिमिट मारा है। टेढ़ा दे तू भाई, तभी मैं बताता हूँ मैं क्या चीज़ बोल रहा था।
अभी मैं चौथे गियर में हूँ और इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स बड़ा खतरनाक हो चुका है। अभी चौथे गियर पर देख रहा मैं खींचूंगा। भाई साहब 100 लगाने में कुछ टाइम नहीं लगाया इसमें, मतलब इतना तेज हो गया इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स, गाड़ी हल्की हो गई ना गाइस इस वजह से। और मैंने ना एसी का एग्जॉस्ट इसलिए लगाया था, इसकी आवाज बहुत बेसी होती है, हालांकि आवाज तो इसकी काफी बेसी है देखो, पर जब मैं इसे फुल थ्रॉटल देता हूँ ना इसकी मतलब आरपीएम इतने चले जाती है। और इसका जो इंजन है वो भी बड़ा है यार, 200 cc इंजन होता है और जितना बड़ा इंजन होता है उतनी आवाज ज्यादा होगी। तो पहले तो मेरे पास 180 थी और उसमें भी मैंने मतलब फुल सिस्टम एग्जॉस्ट नहीं लगाया था एक्चुअली ना, मैंने इसकी बैंड पाइप ना किस मैकेनिक के पास ना बाजे 180 आई थी कबाड़ में, तो उस कबाड़ की बाइक उस कबाड़ वाली बाइक से ना मैंने एग्जॉस्ट ले लिया था, तो वो मुझे अराउंड 1000 रुपये का पड़ा था, तो उसको मैंने कटवा कर उसमें एसी लगवाया था। पर ये जो एग्जॉस्ट है ये है पूरा फुल सिस्टम, इसी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा खतरनाक आवाज़ बन रही है इसकी। देखो क्या आवाज़ आ रही है, कैमरा टेढ़ा रहो, 90 बड़ी भाई इतने खतरनाक आवाज है ना। पॉजिटिव है मैंने आपको बता दिया, अभी इससे ज्यादा तो पॉजिटिव है इसका नहीं है कोई, क्योंकि एग्जॉस्ट का पॉजिटिव क्या हो सकता है गाइस। एक तो आवाज है, बाइक हल्की हो जाती है, भागती सही है, तो यार बाइक चलाने में मजा आता है। जैसे अभी मैं 80 की स्पीड में वो पास बाइक ऐसे निकाल रही है जैसे 120 पे आ रही हो, मजा आ गया भाई बाइक चला के। बाकी थोड़े दिन है क्योंकि मेरे खुद का कान दर्द करने लग पड़ा है, इतनी तेज आवाज है इसकी, मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत तेज आवाज है इसकी यार। अगर आप बाचे 200 में एग्जॉस्ट लगवाना चाहते हैं ना गाइस, तो ऐसी तो बिल्कुल मत लगवाना यार, बहुत तेज आवाज है इसकी। हालांकि मैं थोड़ी देर बाद इस पे और एग्जॉस्ट ट्राई करता रहूंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कि मुझे तो लगा था एसी की आवाज बढ़िया होगी, कम होगी और बेसी होगी, पर बेसी तो है गाइस, पर बहुत ज्यादा लाउड यार, मेरा लेफ्ट वाला ईयर ना गाइस सच में दुखने लग पड़ा है, बहुत तेज आवाज है गाइस। अरे भाई साहब अब ऐसे और झेल नहीं सकता भाई यार सच्ची में, क्योंकि मैं बाइक ना थोड़ी दूर ले गया था चलाने के लिए, करतारपुर से मुड़कर आ लूँ मैं, करतारपुर हमारे घर से अराउंड 25 किलोमीटर पड़ जाता है, तो 50 किलोमीटर चला लिया बाइक मैंने। थोड़ा बहुत सिटी में भी गया था शॉप की तरफ, तो लगा लो मैं कब से मतलब इसका एग्जॉस्ट नोट सुन रहा हूँ, बहुत तेज आवाज है भाई। और जैसा जैसा रवा हो रहा है ना गाइस, वैसे एग्जॉस्ट की बात थोड़ी स्मूथ हो रही है, जैसे मैं इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय।